लोकेशन चेकआउट करो बाबा, लोकेशन चेकआउट करो बाबा। जो एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो देखना, दूर पहाड़, पहाड़ सारे पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर हम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर सुपर ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, और स्वागत करता हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो यार मेरे पास पिछली वीडियो में बहुत सारे तो नहीं, 2 से 3 कमेंट आए थे कि भैया जो अपने जिन कॉर्बेट एरिया के आसपास के जो मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरिया है थोड़ा उनको दिखाने की कोशिश करो। तो इसीलिए आज थोड़ा अपना उस तरफ काम भी है, और आज आपको लेके भी चल रहा हूँ। टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको समझ में आएगा कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। और आज जा रहे हैं हम अपने अकेले और विद अपने BMW। और बहुत दिनों से यार मन कर रहा था कि अपनी BMW का कुछ नाम रखा जाए, सोचा जाए, और फाइनली अपनी BMW का नाम भी अपने ने सोच लिया है, वो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और निकलते थोड़ा सा लेट हो जाएंगे वरना, क्योंकि आगे गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिक्कत हो जाएगी। सुबह सुबह पता क्या गलती हो मुझसे यार, ये देख रहे हो हाथ और ऊपर पूरे देख रहे हैं, क्या गलती मुझसे यार कि मैं ना ग्लव्स पहनने भूल गया, और थोड़ा मैं पुलासी वाली शर्ट भी पहनना भूल गया थोड़ा सा। तो फाइनली गाइस हियर वी आर एट रामनगर, और रामनगर क्या सबसे ज़्यादा एक ही बुरी चीज़ लग रही है मुझे आजकल जो है वो है यहाँ का जाम। सच में इतना जाम होने लग गया ना अब यहाँ पे, क्या ही कहें बस, इतना ज़्यादा जाम यहाँ पे। पूछते हैं यहाँ पे अगर मिल जाए तो। भैया हाथों वाली स्लीव्स हैं दे देना। फाइनली गाइस ले लिए अपने हाथ वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है, और करारी अच्छे से लग रहे हैं। पहले भी थे मेरे पास लेकिन शायद वो घर पे रह गए या मैंने ध्यान नहीं दिया, कहाँ रख दिया मैंने। यार देना जरूरी था क्योंकि यार जब बाहर जब भी सफ़र करते हो ना लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, इतनी ज़्यादा पूरा नज़ारे देखते हुए चलना। तो बाबा यहाँ पे जो ये छोले वाले बहुत ज़बरदस्त हैं कहने क्या, और ये दुकान देख लो भाई साहब, दुकान लग देखने से लग नहीं सकता कि यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी चीज़ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ बहुत बार। तो अभी रुके थे जरा ब्रेकफास्ट के लिए, और ये जगह जो पड़ती है ये पड़ती है आपकी पीरू मदार से थोड़ी सी पहले, और जगह खैर क्या है लेकिन भैया की दुकान आप देख रहे हो बिट्टू टी स्टॉल के नाम से है। अगर कभी भी इस तरफ आओ तो आना जरूर। और छोले इनके यहाँ के ज़बरदस्त छोले और समोसे अल्टीमेट बिल्कुल। और चलते हैं अभी आगे के लिए, आगे टाइम होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं और हमें 12 बजे तक पहुंचना था जहां पर हम जा रहे हैं। चलो चलते हैं अभी। तो सामने का अल्टीमेट व्यू आ रहा है, बाइक पे अगर मैं दिखा सकता पूरा तो मैं ज़रूर दिखा सकता। तो हाँ हुआ क्या अभी कि ना मैं एक्चुअली बातें करते करते के बीच में फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन पे बातें करते करते एक रास्ता जाता बैल पड़ाव की तरफ से इस जगह का, तो मैंने वो रास्ता कर दिया मिस। मैं बातें करते करते थोड़ा सा आगे कालानुंगी की साइड आ गया, और फिर यहाँ से भी वैसे एक रास्ता है अभी अपना जहाँ पे मैं जाने के मतलब अपना पूरा फुल ट्राई कर रहा हूँ वो है यहाँ से आ रहा हूँ 13 गिन्नी खेत है, वहाँ बैल पड़ाव देखा, बैल पड़ाव की तरफ लेगा रास्ता ये भी लिखा है, और स्टैंडिंग करके देख रहा हूँ अभी तो ज़बरदस्त हवा। इस बाइक का ना यही मज़ा है, मतलब स्टैंडिंग भी कर सकते हो आराम से घूम सकते हो इधर उधर भाई साहब, कुछ अलग ही लग रहा है कसम से, कुछ अलग ही है जगह। और इस तरह भी मैंने सुना था कि इस तरफ जो एरिया है वो सारा जो है मोर का एरिया है, मोर का मतलब कि अपना मोर तो खैर सब लोग जानते हैं अपने, इस तरफ का जो अभी 1.5 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो सारा वो अपना मोर का है, और इसके बाद जो आगे आएगा वो सारा रहेगा अपने अजगर का एरिया। अजगर यानी कि सांप वगैरह का एरिया रहेगा इसके बाद का, और उसके बाद जो आएगा आखिर में तीसरे नंबर पर वो रहेगा अपना सारा आपका जो भी रहते हैं आपने हिरन वगैरह इन्हें बंदर लौंडे देख रहे हैं इधर जो भी जगह भी दिखा रहा हूँ सारी कितनी वो सारी अभी अपने कॉर्बेट एरिया से सब लगती हुई है, और जगह यहाँ पर करके आई कहना। लोकेशन चेकआउट करो बाबा, लोकेशन क्या ज़बरदस्त लोकेशन लग रही है, क्या ज़बरदस्त लोकेशन लग रही है यार, इतनी शांति इतनी ज़बरदस्त इलाका कहने का। एक बार ज़रा रोक के देखता हूँ ज़रा यहाँ पे बाबा, लोकेशन चेकआउट करो, इतनी ज़बरदस्त लिटल इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे सच बता रहा हूँ मैं पहली बार आया हूँ, और जगह जो है मेरे काशीपुर से
अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, जो मतलब जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर रह गया अभी वैसे। और जगह अल्टीमेट, क्योंकि ये भी मेरा मतलब ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। और सच में बताऊँ शांति है और इतनी ज़बरदस्त लगी ना जगह कहने की। और ऊपर से अपनी देख लो बाबा, गाड़ी का नाम आपने सोच लिया है, गाड़ी का नाम अपना रखना है ऑक्सीजन। और जगह चेकआउट कर ही सकते हो बाबा। सो लेट्स गो। और एक दो फोटो वगैरह लेनी थी, वो ले ली अभी यहाँ की, बहुत ज़बरदस्त। सो अभी एक दो फोटो लेनी थी, वो ले ली यहाँ की। और चलते जरा आगे यार। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लोकेशन जिसे कहते हैं ना यार। और यहाँ पे लोग रहते होंगे यार, क्या मतलब क्या ही जबरदस्त सीन होगा यार, कि पहाड़ों के बीच में हो जाएगा सामने, बहुत सामने ही पहाड़, यहीं पे सारे मतलब अपने खेत वगैरह, बस क्या ही लोग है जिंदगी से और ज़्यादा। देख रहे हो बिल्कुल, अभी हम जहाँ पर हैं बिल्कुल लास्ट में हैं, और क्या ही कहने लगे कि बिल्कुल पहाड़ी इलाका और बीच में अपनी जबरदस्त रोड, और बीच में आपके जितने भी एरिया वगैरह दिख रहे हैं सब, कोई कटहल का पेड़, कोई लीची का पेड़, कोई आम का बाग। पेट्रोल भी देखना है, अभी अपनी गाड़ी में रह गया 120 किलोमीटर का पेट्रोल। पहुंच चुका हूं अभी अपनी अपनी लोकेशन पे जहां पर आना था वहां से। एक्चुअली जब मुझे प्रॉपर लोकेशन नहीं पता थी, तो मुझे बताया कि वहां से कोटा बाग से तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ गोतिया पुल वाला जो रास्ता है वहां पे जाना है। और चेकआउट करा हुआ जो एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं वो देखना, दूर पहाड़, पहाड़ सारे पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर हम और हमारी ऑक्सीजन, हम और हमारी ऑक्सीजन दोनों पहुंच चुके हैं। और बहुत ज़बरदस्त देख रहे हो, बिल्कुल शांत लोकेशन। बस यहां से मुश्किल से 300-400 मीटर दूर तक आगे जो है रोड जाती है, उससे आगे रोड भी नहीं जाती है, 300-400 मीटर आगे तक रोड जाती है। और मैं बहुत देर से देख रहा था कि वहाँ पर एक मंदिर है, उसका रास्ता भी यहीं से जाता है। अभी तो हालत नहीं है कि वहाँ पे जाके पहुँच पाऊँ, यहाँ पे मुझे 15-20 मिनट हो गए। और अगर सच बताऊँ ना, इतनी शांति है, इतनी ज़बरदस्त शांति है कि कहने क्या। पहाड़ों के ऊपर आके अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऊपर टॉप पे, ये बिल्कुल टॉप है इस जगह का। और सब पहाड़ यहाँ से सब दिख रहे हैं, सब टोटल ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। चेकआउट करना, देख रहे हो वाह क्या ज़बरदस्त लोकेशन है। और मेरा ही पहली बार एक ही है कि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। ख्याल से ना, ये कोई शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसमें इन्होंने टोटल अपना फार्म हाउस वगैरह बना रखा है, मेरे ख्याल से अच्छा फार्म हाउस है। और सारे इन्होंने अपना बागीचा वगैरह बना रखा है, मतलब कहते ना कि एक आम वगैरह, लीची वगैरह, और जो बाकी फ्रूट्स वगैरह उन सबके पेड़ अंदर लगे हुए हैं। अंदर तो खैर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूर बैठूँगा, अभी थोड़ी देर रुकूँगा। कितना सुकून है यहाँ पे, सच में बता नहीं पा रहा हूँ। और सामने के तो खैर क्या ही कहने, खैर ज़बरदस्त लग रहा है बिल्कुल। शायद आप कैमरे पे उतने अच्छे तरीके से शायद नहीं देख पा रहे हो शायद, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देर हो गई है और अब यहाँ से चलने का टाइम आ गया है, और जगह को बोलते हैं गुड बाय और चलते हैं आगे तरफ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे पहले प्रायोरिटी है। और आगे ऐसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।